ये भैंस की पूंछ है भाई, भैंस का जो पिछवाड़ा होता है ना सेम वैसा ही भाई। इसका वेट कितना है भाई? कन लुका रहा है, साइड से भी दिखा देता हूँ। घर से कुछ खा पी के नहीं आएगा तो खोलने के बाद पीछे से एकदम मक्खन दिखेगा भाई, यहाँ से मक्खन दिखेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, आज होने वाला है अपना RS 200 जो है ना, इसका जो टेल लाइट है वो हम निकालेंगे। तो मैंने बहुत ही वीडियो में देखा है, इसको निकाल के बहुत ही बढ़िया लगता है भाई, एकदम ऑसम लुक आता है। जैसे R15 का होता है ना एकदम लुक, वैसे ही आ जाता है। तो इसको निकाल फेंकेंगे और आपको पहले दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है, आप पहले देख लो, उसके बाद खोल कर देखेंगे कि कैसा लग रहा है। और इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि बाद में ये वाला भी तो भाई टायर बहुत ही ब्रॉड लगेगा, लेकिन बारिश का टाइम है ना भाई, तो छींटे पड़ेंगे बहुत ही, इसलिए मैं खोल नहीं रहा हूँ। तो मैं एकदम उसी कारण से ये भाई खोलने के लिए टूल लाया हूँ। तो ये खोलेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे दो नट है, सिर्फ उस दो नट को खोलेंगे और यहाँ से वो इंडिकेटर का जो है ना वो निकालेंगे, उसके बाद हो जाएगा। और बाकी जो टेल वो है ना, जो इंडिकेटर नंबर प्लेट लगेगा वो अभी मैंने ऑर्डर नहीं किया है, तो ऑर्डर कर दूंगा, वो आ जाने के बाद बाकी लगाएंगे। अभी बिना नंबर प्लेट और बिना टेल लाइट के ही चलाएंगे भाई। चलो इसको खोलते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ ये तीन नट खोलना है, बस ये तीन नट खोलने के बाद ही ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सीट खोल लेंगे, उसके बाद वायर जो है ना उसको अलग कर देंगे। बाकी जो टेडी टेल है ना, जो बाद में मैं ऑर्डर करूँगा, उसके बाद ही नंबर प्लेट है ना इंडिकेटर वो लगवाऊँगा। मैं पहले सोच रहा था कि जो ये नंबर प्लेट है ना उसको यहाँ पे लगा दूँ। मैंने एक भाई का देखा था, एमटी वाला इंस्टाग्राम पे देखा था, अक्षय पाल अक्कू के नाम से, उसका यहाँ पे लगा है, तो एकदम देख के मज़ा आ जाता है भाई साहब। अभी लुक देख लो, टेल लाइट लगा होने में कैसा लग रहा है, और उतार के देखेंगे उतार के भी कैसा लग रहा है। तो चलो इस सीट को भी खोल लेना पड़ेगा भाई।
superhero. हीरो टाइप का ऐसा नहीं यार, पर्सनालिटी एकदम हीरो टाइप का। हाँ लेकिन इसका सॉकर थोड़ा हाई हो जाएगा तो और भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ऊंचा हो जाएंगे। बाकी जो पीछे का ये ना, ये तो अभी खोल नहीं सकते क्या? इसको भी खोल सकते हैं, इसके लिए ये रेंच चाहिए, ये वाला चाहिए। गलती हो गया भाई, घर से ले आते तो अच्छा होता। ये वाला खोल के मक्खन लगेगा पीछे से, खोल दिया तो खोल दिया तो बहुत ही हार्ड ऑसम भाई, एकदम देखो मक्खन भुका रहा है भाई। लेकिन नंबर प्लेट लगवाना पड़ेगा ही भाई, क्योंकि ये इलीगल है, पीछे नंबर प्लेट नहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि नंबर प्लेट जो है ना यहाँ पे लगवा देता हूँ। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, करके तब मजा आएगा। ये खाली रहेगा, सिर्फ यहाँ पे इंडिकेटर लगेगा और नंबर प्लेट यहाँ पे लगवा देगा। इंडिकेटर लगाने की क्या जरूरत है? आप लोगों ने देख लिया है तो भाई बहुत ही मुश्किल भाई, इतने धूप में भाई वीडियो बनाने आया हूँ। तो सपोर्ट दिखाना, शेयर करना वीडियो का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।